व्लॉग, मैं हूं परवेज और मैं आ जाया हूं पवई लेक में। यहां पर काफ़ी अच्छा व्यू आप लोग को देखने को मिलता है अगर आप घूमने आते हो ना, तो यहां आप लोग को दिखाऊं तो मैं ये फ़िलहाल पीछे आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा पूरा नदी टाइप में बना है, बहुत बड़ा ये तालाब है और यहाँ बना आपको घूमने के लिए कई जगह पर ऐसा एक नॉर्मल बना दिया गया। ऐसा पूरे पूरे पार्क में आपको राउंड राउंड यहाँ पर भी, जैसे आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा वो वीडियो में मैंने गया था जेवल्स पार्क में, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बनाया गया था, लेकिन वहाँ मैं काफ़ी लेट से पहुँचा था इसलिए अंधेरा हो गया था, लेकिन यहाँ पे मैं टाइम पे आया हूँ और कोशिश करूँगा कि ये पूरा पार्क मैं कवर करूँ। ये आप देख सकते हो पवई एंड पवई तालाब, पवई लेक के नाम से ये जाना जाता है और ये बहुत ही बड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर से, ऐसा वो जो वहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पे भी आप लोग को बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए जगह दी गई है एंड वहाँ से अच्छा व्यू दिखता है। शाम को ट्राई करता हूँ वहाँ जाने का एंड ये आपको ये पूरा है, हम लोग पूरा आज फिर से यहाँ पे भी मैं घूमने वाला हूँ और चलते हैं आगे। यहाँ आप देख सकते हो लोग मछली ये सब मारते हैं, यहाँ मछलियाँ है मतलब को ऐसा दिख जाता है पूरा मैदान जो है ना, ये ऐसा घुमावदार बनाया गया जैसे जेवल्स पार्क है कुछ वैसे ही ये वाला पार्क में भी पवई लेक के किनारे किनारे बनाया गया है। और यहाँ पर जो लोग मछली मार रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, यानी घंटों घंटों तक आप बैठे रहो और आप लोगों को कुछ इंतज़ार करना पड़ता है कि कब मछली आए बंसी में पकड़े, तब आप बाहर उसे निकाल सकते हो। तो लोग बैठे हुए मज़े कर रहे हैं मस्त। तो गैस ये जो मैं खड़ा हूँ ना पवई लेक के पास, तो ये सेंटर में ही खड़ा हूँ, यहाँ से आपको पूरा व्यू देखने को मिल जाता है पानी का। और ये आप देख लीजिए, वहाँ आप लोग को सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो हीरा नंदानी की बिल्डिंग है और ये मैं आपको लोग को पूरा दिखाता हूँ और हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर कपल्स और सारे लोग आते रहते हैं। यहाँ पर गैस जब आते हो तो आपको चूरा या पानी वानी ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाती है, यहाँ बेचने वाले लोग बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अभी मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ और आगे देखते हैं कि आगे हमको लग रहा है पार्क प्रॉपर मिल रहा है, क्योंकि ये अभी तक तो लेक के बाजू बाजू मस्त अच्छा सा बनाया गया था तो वहाँ पर था। मैं अब आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ एक पार्क है वहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग को वीडियोस दिखाऊंगा और फिर हम लोग चलेंगे। शाम को जाने वाला हूँ मैं CST के तरफ, तो शाम को हम लोग CST में मिलते हैं आप लोग। यहाँ पर तो कुछ है जहाँ शायद एंट्री नहीं है नॉर्मल, आप आगे से जा सकते हैं, आगे से एक पार्क है तो देखता हूँ लेकिन एंट्री है कि नहीं पूछता हूँ इन लोग से। गैस मैं पवई पार्क में आ चुका हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखा दूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं, जैसे आप साइकिल नहीं ला सकते बॉल या ड्रिंक करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है। बाकी आप नॉर्मल अकेले आ सकते हो, घूम लो टहलो जो भी करना है वो करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पर लाना अलाउड नहीं है और क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं उन लोग को दिक्कत हो, किसी को स्मोकिंग तो किसी को नहीं करना चाहिए लेकिन लोग करते हैं वो उनके ऊपर है, पर ऐसा यहाँ पे जो है चीज़ें कुछ अलाउड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो अलाउड है और कुछ नहीं है। तो फिलहाल तो मैं पूरा पार्क घूमने की कोशिश करूँगा यहाँ जितना हो सकेगा। कुछ तो ऑप्शन लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जैसे समझ में आए तो अपना समझ ले यहाँ पर आने टाइम मतलब क्या है। और ये जैसे एंट्री करते हो आपको सामने कुछ ऐसा दिखेगा, ये पूरा मस्त ग्राउंड बनाया गया है, बीच में पानी है और ये जो पेड़ है ना ये पूरा बरगद का पेड़ है, इसको बनियन ट्री भी बोलते हैं और हर तरफ से आपको घूमने टहलने की जगह है। और हम लोग चलते हैं आगे और उधर तो हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि हमें वीडियो बनाना है केवल और बाकी की चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे आपको बैठने की जगह है खूब सारी और मैं इधर और साइड में जा रहा हूँ, इधर देखता हूँ, इधर से भी कुछ लेक का व्यू दिखेगा और चलते हैं आगे। गाइस यहाँ से देख सकते हो आपको ये लेक का व्यू यहाँ से भी दिख रहा है प्रॉपर, और यहाँ पे देख सकते हो ये सफाई वफाई प्रॉपर यहाँ पे होती रहती है नॉर्मल, और यहाँ पे लोग लगे हुए यानी जो भी पत्ते सूखे उनको निकालना है और थोड़े बढ़ गए इधर उधर तो उनको काटना पीटना ये सब करते रहते। और आगे और भी कुछ बना है तो वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को चल के। ये आप देख सकते हो बिल्कुल अपोजिट साइड है पार्क के किनारे, बिल्कुल तो ऐसा बनाया गया है। ये मेन आपका ये जो सामने का व्यू है ना ये देखने के लिए बनाया गया और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत से लोग बैठते हैं मस्त। और हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। गाइस मैं उधर से आ गया हूँ
और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, हम लोग और बाहर निकलूँगा और बाहर भी बहुत बड़ा पार्क है आगे, तो उधर अभी जाने वाला हूँ। यहाँ से साइड से निकल रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को ऐसा बनाया गया है, ये पूरा शेड है, ये अंदर देख लीजिए, कुछ लोग जाल बना रहे हैं इससे मछली उछली यहाँ पे पकड़ने का, क्योंकि तालाब है तो मछली तो रहेंगी। और ये है फिर से हमको बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ मिलता है और ये गार्डन मस्त बनाया गया है। ये आप व्यू देख सकते हो यहाँ से, यानी यहाँ की हर एक एक जगह पे आप लोग को प्रॉपर घूमने का बैठने का प्रॉपर बनाया गया है। व्यू भी बहुत अच्छा है, फ़ोटो शूट वूट सब आराम से कर सकते हो। यहाँ पे शायद ये लोग मछली मार रहे हैं, देखता हूँ, थोड़ी देर रुकूँगा, देखूँगा ये मछली कितनी देर में आ पा रही है या नहीं, वैसे टाइम लगेगा इन लोग को, तो मैं आगे चलता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं या नहीं, छोटे छोटे जिसको आप हेलीकॉप्टर बोलते थे बचपन में, और मुझे कैम नहीं दिख तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे वो भी है जो टिड्डा हम लोग पहले बोलते थे, अभी तो बारिश के टाइम पे रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल गांव में दिखते या तो जंगलों में, तो अभी फ़िलहाल यहाँ थोड़ा सा झाड़ियाँ हैं तो यहाँ पे वो लोग दिख रहे हैं। मौसम अच्छा है, आगे गार्डन टाइप में दिखाया गया जो छोटे छोटे बच्चों का गार्डन है, वहाँ हम चलते। ये गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको गार्डन भी है, अगर आपके पास छोटे बच्चों के साथ आए हो यहाँ, तो ये गार्डन पे खेलने के लिए उनको एक ऑप्शन है छोटा। ये देखो मेढक बना हुआ है यहाँ पे, और चलता हुआ आगे तो काफ़ी बड़ा ये वाला जो बच्चों के लिए गार्डन नहीं है, पर ठीक है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। और आगे मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है, ऐसा दिख रहा है वहाँ पे ना विला टाइप में बनाया गया, छोटे छोटे घर हैं, अगर कोई लोग रहना चाहे तो वहाँ, मतलब नाव के थ्रू आप जाओ और बीच में आराम से शायद कुछ टाइम बिता सकते हो। तो मैं उधर ही बढ़ रहा हूँ और अभी ऊपर चढ़ता हूँ, जूम करके आपको दिखाऊंगा। जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लोगों को रहने के लिए घर बनाया गया है, अभी लग रहा है ये नया हुआ, क्योंकि पहले मैं आया था ना ऐसा कुछ भी नहीं था। नाव वाव है यहाँ पे, मस्त घुमाने के लिए भी लोग लेके जाते हैं, लेकिन आगे चल के देखते हैं अगर पूछेंगे कुछ ऑप्शन रहा तो। इन्होंने बनाया है कि जो लोग पूजा की चीज़ें पानी में फेंकते हैं यहाँ पे ना डाल के इनमें रखें, तो फिर ये लोग अपना विसर्जित कर देते होंगे यहाँ के जो लोग हैं आसपास काम करने वाले लोग, ताकि हमारा पानी गंदा ना हो। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे फिर भी ये लोग मछली मार रहे हैं। और आगे ये देख लीजिए घर टाइप में बनाया गया है, ये बच्चों के साथ आए हैं ये लोग, और आगे ना कबूतर बहुत सारे हैं, दाना वाना डालने का रहता है अगर किसी को, तो यहाँ पे कबूतरों में दाना डाल सकते हैं। यहाँ पे भी घूमने टहलने का भी है, और ये कुछ तो कर रहे हैं, देखते क्या है। ये कुछ चीज़ें हैं जो पूजा की चीज़ें शायद, उसको पानी में विसर्जन कर रहे हैं लोग। और हम आगे चलते हैं, मैं मेन जगह अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, वहाँ पे एक गार्डन जो है ना यहाँ पे कोई नहीं, तो वहाँ पे मस्त घर टाइप में बनाया गया है, जो मैंने वहाँ से आपको जूम करके दिखाया था, तो यहाँ बिल्कुल करीब से देखने को मिलेंगे, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ अभी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट मुझे और चलना पड़ेगा, और फिर वहाँ देखने को मेरे को मिलेगा, और यानी मुझे देखने को मिलेगा, तो मैं तो ज़रूर आपको रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे वीडियो ब्लॉग में डालने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो देखें। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता हो ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत भागना पड़ता है, पूरा दोपहर दोपहर भागो और निकल घूमते रहो कहीं भी, तो थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, और मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की फिर कोशिश करूँगा। नहीं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ दिन बनाऊँगा ऐसे, फिर नहीं बनाने लगूँगा, क्योंकि जब कुछ बढ़ेगा ही नहीं तो मतलब क्या होगा। अगर किसी को ऐसा इंटरेस्टेड वीडियो यानी घूमने उमने का पसंद आता हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर जो गार्डन अंदर जाना है ना, तो यहाँ पर आप आते हो तो मस्त खाने पीने की भी चीज़ें आप लोग को मिल जाती है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कुछ ऐसा। यहाँ पे ना भजिया पाव या और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ये ले देख सकते हो आप। तो मैं अभी चल रहा हूँ अंदर, और फिर हम लोग अंदर वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे अपने को वो घर टाइप में दिख रहे थे ना जो पानी में, तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, देखता हूँ वहाँ जा पाऊँगा तो फिर देखे, नहीं तो फिर ब्लॉग वहीं पर बंद करते हैं। वहाँ पर ना एक बच्चों का गार्डन बनाया गया जो अभी रिनोवेट में हो रहा है लग रहा है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर है जो मैं आगे जा कर दिखाता हूँ। वहाँ पर लोग बच्चे लोग खेल रहे, और आगे वहाँ मैं नीचे जाऊँगा तो देखते हैं नीचे की तरफ क्या है। यहाँ गार्डन है, यहाँ पे बच्चे लोग खेल सकते हैं आराम से आपके, और बाजू में इसके कोई कॉलेज स्कूल है छोटे छोटे बच्चों का। यहाँ पे गाइस अगर आप बाइक वाइक लाते हो ना, तो यहाँ पे आप खड़ा कर सकते हो, और आपको बाइक के लिए
पार्किंग दिया गया है, पार्किंग है, आराम से बाइक में आओ, खड़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे अंदर भी कुछ लोग हैं जो बाइक वाइक खड़ा करके रखे हैं, तो यानी पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पे, दिक्कत वाली बात नहीं है कि पार्किंग नहीं है। और हम और आगे जाते हैं और देखते हैं आगे हमको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो मैं आप लोग को जरूर इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे ना कई जगह पे नो पार्किंग लिखा है, यानी अंदर पार्किंग करना शायद मना भी है, ये आप देख सकते हो, लेकिन लोगों ने कुछ पार्क करके रखे अपनी अपनी गाड़ी, तो वो उनका रिस्क है, करेंगे उनके ऊपर डिपेंड है। तो आप अगर आते हो यहाँ पे बाइक लेके तो अपना सोच समझ के पार्क करिए। तो अभी यहाँ पे कुछ एक गार्डन टाइप दिख रहा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर और देखते हैं। ये आप देख सकते हो ऊपर मैं जा रहा हूँ उधर, आप लोग देख सकते हो पवई लेक में ना ये झरना टाइप में बना गया है, जो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ है, ये पूरा झरना है, इससे मैं बैक कैमरा करके आपको अभी दिखा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे झरना, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, और ये कुछ टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कभी कभी पानी आता होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर भरता होगा ना ये लेक, तो यहाँ से यानी फ्लो होके बाहर आता है। ये काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, लेकिन इधर अंदर जाने का कोई आइडिया नहीं है, यहाँ शायद पैसे लेते होंगे, देखता हूँ मैं, अगर ट्राई करता हूँ अंदर जाके ना, वही इधर घूमने का कुछ ऑप्शन रहेगा तो मैं अंदर जाके देखता हूँ। हम लोग चलते हैं अभी अंदर की तरफ और पूछूंगा वहाँ मतलब क्या रेट्स है, अगर मुझे लगा कि हाँ मैं जा सकता हूँ तो एक बार ज़रूर मैं वही मस्त घूमता हूँ। और ये पार्क जिस है, वैसे हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर गाइस देख सकते हो यानी बाहर लोगों के लिए नहीं है अंदर जाने का अलाउड, तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं इसी पार्क में घूमता हूँ थोड़ी देर, और फिर हम लोग अगर मेरे फ़ोन में बैटरी उटरी रहा तो मैं फिर CST में आपको मिलूँगा। लोगों को बैठने का मस्त बनाया गया है, आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो, और काफ़ी अच्छा मौसम है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जब इतने सारे झाड़ है तो अगर हवा चलेगी तो आपको ठंडा लगेगा ही। और वहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया पवई लेक का झरना भी यहाँ पर है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी वो अच्छा वो भी दिखता है। और ये जंगल टाइप में मैं काफ़ी अंदर देखता हूँ जहाँ पर जा सकता हूँ, और नहीं तो फिर हम लोग ब्लॉग को करते यहीं से फिर एंड, और आगे चल के और कुछ देखेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हो ये जो बीच में मैदान है ना, ये झरना टाइप का था, यानी यहाँ से फाउंटेन उठते, लेकिन फ़िलहाल अभी इन लोगों ने बंद करके रखा है, रीज़न आइडिया नहीं क्यों, पर फिर भी मैं आगे चलता हूँ और देखता हूँ। सब लोग मस्त बैठे इंजॉय कर रहे और आगे हम लोग निकलते हैं। आगे कुछ तो है जहाँ पे कुछ लोग मस्त मज़े कर रहे हैं, वहाँ पे मैं भी जाता हूँ और देखता हूँ क्या है क्या नहीं। और इधर आपको दिखाता हूँ ये सारे ना पानी के लिए रास्ता बनाया गया है, यानी अगर पानी उधर का ज़्यादा भी हो जाता है तो इधर उधर से एडजस्ट हो जाए, ताकि बाहर पानी ना जा पाए, किसी को नुकसान ना होए। रोड का पूरा किनारा है, आगे से ये लग रहा है पूरा मैंने पार्क घूम लिया, एंड हो चुका है और हम लोग आगे देखते हैं। वैसे एक गेट है उधर से, अगर आप आते हो ना तो बाहर आपको जाना है तो इधर से आप निकल सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि और मैं इधर घूमूं, ताकि आप लोगों को और भी पूरा पार्क घुमाने की कोशिश करता हूँ। वैसे जंगल तो बहुत काफ़ी भारी है और काफ़ी बड़ा है। हम लोग चलते हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर से ना आपको तीन रास्ते मिलते हैं, एक तो सीधा जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ उधर नहीं जाता हूँ। पवई गार्डन जो था ना, ये पवई पार्क बोलो या गार्डन या लेक, तो यहाँ पे मैं आया, मेरे को तो काफ़ी देर से घूम रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, लेकिन ये एक फैमिली गार्डन, इसको हम नहीं बोल सकते, नॉर्मल ये कपल गार्डन है, दोस्तों के साथ एक बार आप आओ चल जाएगा, लेकिन फैमिली के साथ मुश्किल है यहाँ पर घूमना। कोई ब्लॉग मेरा है यहीं पर हम लोग बंद करते हैं, और हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये गार्डन कैसा लगा, और फिर मिलते हैं कहीं और, क्योंकि मेरा जो CST जाने का प्लान था ना वो कैंसिल हो चुका है अभी मेरा, तो जब तक के लिए बाय बाय।